पिछले दिनों नवादा थाना के क्षेत्र के अंतर्गत चूड़ी वाली गली में एक स्कूली छात्रा को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी थी। उसका इलाज अभी निजी क्लिनिक में चल रहा है और वह अभी सही कंडीशन में। वहीं दूसरी तरफ आज प्रेस वार्ता करके SP प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि जो भी बच्ची को गोली मारे थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके पास से हथियार भी मिले हैं और उनको जेल भेज दिया गया है। SP ने कहा कि साफ तौर पर पुलिस की टीम गठित की गई थी और पुलिस की टीम गठित करके पीछे लगाया गया था और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए बुलाया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक लड़की को गोली लगने वाले मामले का है। आप लोगों को पता होगा कि परसों ही एक बीडी पब्लिक स्कूल है, वहाँ से एक छात्रा जो कक्षा 9वीं की छात्रा है और वो निकली हुई थी अपने स्कूल से, जैसे निकली है और गेट से और आगे जाने पर एक गली के पास में जो एक छात्रावास है वहाँ पर, और क्योंकि गली के पास में जाकर वहाँ जैसे पहुँची है वहाँ पे उसको जो है गोली लगती है और गोली लगने के उपरांत जो है वो घायल होती है और उसको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। तो उक्त मामले में त्वरित रूप से जो है सहायक पुलिस अधीक्षक सदर चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में थानाध्यक्ष नवादा और हमारी DI की टीम तुरंत इस पर कार्रवाई चालू करती है। CCTV फुटेज वगैरह निकाला जाता है और फिर छात्रा से भी पूछताछ किया जाता है, उसकी सहेलियों से भी कुछ लोगों से क्लू मिलते हैं, लेकिन इसमें छात्रा और उसके परिवार का जो है बहुत सहयोगात्मक रवैया नहीं रहता है और वो लोग पूरी घटना और पूरी सच्चाई बताने से परहेज करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों के जो CCTV फुटेज से जिन लड़कों के फोटो वगैरह आया था उनका हम लोगों ने फिर छानबीन किया, स्कूल कॉलेज से पूछताछ किया, तो इसमें तकनीकी साक्ष्यों के तब एक दो लड़के जो पहचान में आए उन लड़कों को जब हमारी टीम ने जो है पकड़ा तो फिर पूछताछ हुआ तो अन्य फिर जो है चार लड़कों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें दो लड़के और हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। इसकी पूरी कहानी यही थी, जिन लड़कों ने बताया कि ये लड़कियाँ वहाँ स्कूल से आती थी तो उसके पहले भी इनके बॉयफ्रेंड वगैरह फिर वहाँ पर गली में आके, इनका कहना है कि वो लोग वहाँ पे गली में खड़े हो गए कुछ अश्लील हरकतें या जो भी मतलब संदिग्ध टाइप की चीज़ें, उनका कहना है कि वो लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे और ये लड़के उसका विरोध करते थे कि यहाँ पे आप लोग खड़ा होकर जो है कोई जो है गतिविधि यहाँ पर गलत मत करिए। तो उसके अगले दिन जब ये लोगों को ये कहना है कि लोग एक ऋतिक जो उसमें लड़का है वो फोटोशूट करने के लिए अपनी पिस्टल लेकर आता है लेकिन वो लोडेड थी और उसी में इनका कहना है कि जब हम लोग इसको खींचातानी करते हैं फोटोशूट करने के लिए और उधर से बच्चे जाते रहते हैं उसी में गोली चल जाती है और छात्रा पर जो है पीछे छात्रा के कमर के पास में गोली लगती है और जैसे ही लोग छोटा छोटा गोली लगी ये वहाँ से भागते हैं। तो ये लड़के मोस्टली जो है 10वीं क्लास के हैं और दो उसके लड़के हैं जो ग्रेजुएशन में हैं और इनकी जो अभी केस हिस्ट्री है ऐसा कुछ विशेष केस हिस्ट्री नहीं मिली है। एक लड़का है संदीप टाइप का और जिसका हो सकता है क्राइम हिस्ट्री मिल जाए, बाकी नए पहने वाले लड़के हैं। तो इस तरीके से इस केस में जो है शुरुआत में अगर फैमिली ने हमें और सपोर्ट किया होता तो 2-3 घंटे के अंदर हम लोग अभी इसको पकड़ लेते, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने काफ़ी इसमें मेहनत की और स्पेशली सहायक पुलिस अधीक्षक सदर उनकी टीम, इन्होंने लगातार मेहनत करते हुए और इस घटना का उद्भेदन किया और उद्भेदन के साथ साथ चारों अभियुक्त जो गिरफ्तार किया, जिन अभियुक्तों का नाम विकास पासवान श्री टोला का, ऋतिक कुमार ये भी श्री टोला कराने वाला है और दो काल्पनिक नाम है गोलू और मोनू, ये चारों अभियुक्त गिरफ्तार हुए। उनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। इस तरीके से इस घटना को 24 घंटे में उद्भेदन कर लिया गया है। बाकी दो लड़के जो भी वहाँ खड़े थे उनकी जल्द गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है और इसी के साथ हम सभी जो भी बच्चे यहाँ स्कूल में जाते हैं सबसे बताना चाहते हैं कि हमारी महिला सहयोगी टीम, त्रास टीम और हमारी जो है थाना व्यक्ति 112 तमाम हमारी जो है पुलिस लगातार जो है शहर में भ्रमण करती रहती है, खास करके बच्चों के स्कूल जाने और आने के टाइम में किसी को किसी तरीके से किसी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये घटना जो लड़कों की जो है बदमाशी से घटी, जो उनका फोटोशूट करने के चक्कर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ गार्जियन से भी हमारी अपील रहती है जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनके थोड़ा नज़र रखें और जो गार्जियन के बच्चे पिस्टल और इस सबसे फोटोशूट वगैरह करते हैं अगर किसी के परिवार को पता चलता है तो वे लोग भी ससमय पुलिस को सूचना दें, अन्यथा आगे से जो हम लोग यही करेंगे अगर घर में पिस्टल और इस सब बच्ची जाती है यानी पूरे परिवार को नॉलेज है तो आम शायद पूरे परिवार के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, फिर आगे परेशानी का समय बढ़ेगा। इसलिए जो भी गार्जियन है RR शहर के भोजपुर के सभी लोगों से मेरा पुनः एक निवेदन है कि सभी लोग अपने बच्चों पर नज़र रखें और कुछ भी गलत गतिविधि में
पुलिस को सूचना दें, उनको तत्काल कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उस स्कूल में अभी पढ़ने वालों पर नहीं उठना है। एक्चुअली दो ग्रेजुएशन भी लड़के हैं और दो दसवीं में पढ़ते हैं, और लेकिन वहाँ पे उनका घर है, उसको उनकी गली के पास में वहाँ पर उनका घर बताया जा रहा है। और किस स्कूल में पढ़ते हैं इसका हम लोग अभी सत्यापन कर रहे हैं। सत्यापन के ऊपर हाँ हथियार बरामद हो गया है, और हथियार एक पिस्टल मिला है जिससे फायरिंग हुई थी, और बाद में उनके घर जब छापामारी की गई तो वहाँ से एक कट्टा भी मिला है और तीन गोलियाँ भी बरामद हुई है। तो उनकी सबकी गिरफ्तारी। सर गोली किसने चलाया था उसमें? गोली उसमें से एक लड़का है जो उसका नाम अभी हम लोग नाबालिग है तो इसलिए हम उसका नाम नहीं बता रहे हैं, और उसके हाथ से गोली चली थी। उसने स्वीकार भी किया है कि फोटोशूट करने के दौरान दो लड़कों के बीच में आपस में जो है जबकि चटानी होती है कि मैं एक उसी में गोली चलती है और एक छात्रा को गोली लग जाती है। नहीं अवैध हथियार है सर, इसीलिए जो है उनके परिवार के ऊपर भी हम लोग संलिप्तता की जाँच कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अवैध हथियार है और उनके घर में रहते थे और घर वालों को मालूम नहीं था, इसलिए हमें लोगों के बीच में कार्रवाई की जाएगी। गुलाम हथियार के साथ रही बनाना बिल्कुल नहीं रहा उसके बारे में। ये पुलिस और प्रशासन देखिए अपना काम कर रहे हैं, और कोई अवैध रूप से अगर चोरी छुपे कहीं बता रहा है, जब भी बहुत देर पुलिस को पहले भी सूचना मिली है कि हर तरह की घटनाएँ होती थी, इतना हम लोगों ने आम को सत्यापन लगभग 99% करा दिया पूरे भोजपुर में, और 100 से ऊपर हम लोग हथियार जमा कराए, और काफ़ी हथियारों का जो है रद्दीकरण के लिए भेजा गया था जिसे जिला प्रधानकारी महोदय के द्वारा उसको रद्दीकरण भी किया गया है। कि पुलिस के द्वारा बहुत सारे आर्म्स के जो अवैध जो है यूज़ थे उनके जो तमाम रीजन के कारण जो है उसको भेजा गया था। इसलिए पुलिस लगातार जो है हमारी कार्य कर रही है, जो भी कहीं भी सूचना मिलती है कोई भी बक्सा नहीं गया है, न भी आगे कोई बक्सा जाएगा जो भी प्रकार से जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि सभी गार्जियन से अपील है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसा अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके परिवार वाले को भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लड़कियों की सुरक्षा गांजा है।